हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या भैया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो गलतियां जो आप शायद कर रहे हो जो आपको आपकी हेयर क्वालिटी को लेवल अप करने से रोक रही है। मेरे लिए बाल बढ़ाने एक इम्पॉसिबल सा टास्क था क्योंकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता था, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं अपना हेयर कट हर 3 से 4 हफ्ते में करा लूँ। पर अब थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करके और थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग करके मैं ना सिर्फ अपनी हेयर ग्रो कर रहा हूँ बल्कि उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रख पा रहा हूँ। अगर आप मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेयर केयर से रिलेटेड किसी में भी इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और हम मिलके एक कम्युनिटी बना सकें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की पहली मिस्टेक जो शायद आप लोग कर रहे हो, जो है स्टॉप यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। अब ये गलती मैं खुद बचपन में कर चुका हूँ इसलिए ये मेरी मिस्टेक्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे आती है। बचपन में मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम थी जो कि थी हेयर जेल, और उस हेयर जेल को मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर करके अपनी हेयर की क्वालिटी इतनी डाउनग्रेड कर दी थी। पर मैं नहीं चाहता कि आप वो सेम गलती करो। अगर आपको एक प्रेजेंटेबल लुक चाहिए तो आप मेक श्योर करो कि आप हेयर कट के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दो बजाय उसके कि आप डिफरेंट टाइप के हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, क्योंकि आपका हेयर कट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक प्रेजेंटेबल लुक देगा बजाय उसके कि आप अपने बालों को डैमेज भी करो हेयर प्रोडक्ट्स के साथ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको हेल्प भी ना कर सके। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली हेयर स्टाइल पे जो कि है सेम हेयर स्टाइल फॉर ईयर्स। अब मैं पर्सनली अपने स्कूल के बैचमेट्स को जानता हूँ जिन्होंने स्कूल से लेकर अभी कॉलेज तक सेम हेयर स्टाइल रखी हुई है। आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लुक्स बदलते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपके मसल्स ग्रो होते हैं, आपकी बियर्ड आती है। आइए क्या दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। जब आपकी बॉडी में नेचुरली इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपनी सेम हेयर स्टाइल के साथ स्टिक क्यों करते हो? आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। बस टिकटॉक वाली हेयर स्टाइल्स ट्राई मत करना। आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट तब तक करो जब आपको जेन्युइनली दूसरे लोगों से सामने से बढ़ के अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू नहीं हो जाए। मैंने पर्सनली अपने स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करी हैं, और अब जब मैं सारी हेयर स्टाइल्स को ट्राई कर चुका था तब मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे बाल लंबे कर लेने चाहिए, जो कि खुद में एक नई हेयर स्टाइल है, और इससे मैं और बहुत सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकता हूँ। अब जो अगली मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे आप लास्ट मिस्टेक का ही सीक्वल समझ लो, जो कि है नॉट टॉकिंग टू योर बार्बर। अगर आपको कोई नई हेयर स्टाइल ट्राई करनी है तो आप उसे अपने बार्बर को ओरली बताने की जगह अगर किसी फोटो के रेफरेंस से दिखाओगे तो वो आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। थोड़ा टाइम निकालो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को सर्च करो। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट दो ऐसे सफिशिएंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आपको लिटरली हज़ारों हेयर स्टाइल मिल जाएगी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे डेडिकेटेड पेजेस बने हुए हैं जिसके ऊपर आप मेंस हेयर स्टाइल से रिलेटेड हज़ारों हेयर स्टाइल्स को देख सकते हो। उन्हें देखो, सेलेक्ट करो जो आपको पसंद आए और उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने बार्बर को दिखाओ, और लो बन गए आपके हेयर के। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक पे जो कि है नॉट अप्लाइंग हेयर मास्क। अब हम लड़के हेयर मास्क को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि यह बहुत ज़्यादा फेमिनिन होता है। मैं खुद 1.5 साल पहले तक हेयर मास्क नहीं लगाता था जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट दैट कि ये शायद लड़कियों से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। पर जैसे जैसे मैंने बाल लंबे किए मैंने रियलाइज़ किया कि हेयर मास्क आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को कितना इम्पैक्ट करता है। ये लिटरली आपकी हेयर क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर पुश करता है। हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगाओ। अब आपको हेयर मास्क लगाना कौन सा है वो आपके हेयर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको उससे कितना डिफरेंस फील हुआ आपकी ओवरऑल हेयर की क्वालिटी में। अब आपने राइट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, आपने हेयर मास्क लगा लिया, पर एक चीज़ जिसके ऊपर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो वो है अप्लाइंग टू मच प्रोडक्ट्स। अब अगर आप हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि आप उसे कितने अमाउंट में और कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो। अब अगर आपके बाल एक नॉर्मल लेंथ के हैं तो आपके लिए 1 फिंगर टिप जो कि इतना सा होता है, कोई सा भी हेयर प्रोडक्ट भले वो हेयर जेल हो या हेयर क्ले हो, सफिशियंट होता है। अब आप इन प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ये आपके हेयर के जो एंड्स हैं उन्हें उतना ज़्यादा ब्लॉक करेंगे, जो आपके
हेयर ग्रोथ करने में दिक्कत दे सकते हैं, उसी के साथ साथ ही आपके हेयर के एंड्स को ड्राई करेंगे जो आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को डिप्लीट करेंगे। फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बालों को हेयर प्रोडक्ट से स्टाइल करने की जगह हेयर कट प्रेफर करें, क्योंकि ये आपको लॉन्गर पीरियड के लिए नीटनेस प्रोवाइड करेगा, उसी के साथ साथ ये आपके बालों को डैमेज भी नहीं करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो।